बोलो सीताराम के आनंद में, चंद्र की। वेदांत के जो अंतरंग साधना है वो श्रवण और मनन और निधिध्यासन है। आप जो कर रहे हो वो श्रवण कर रहे हो, और जब ग्रुप डिस्कशन में बैठते हो वो मनन कर रहे हो। मनन का दो भाग है, जब अकेले करते हो तो मनन कहते हैं, और जब साथ में करते हो तो सामूहिक विचार। तो सामूहिक विचार करते हो वो मनन है, और जब चिंतन करते हो वो निधिध्यासन, वो निधिध्यासन करते हो। तो साधक को मनन तो कहते हैं समाधि से पहले जीवन में मनन होना चाहिए। ये जो मनन है वो कैसे मनन होना चाहिए 48 श्लोक में बता रहे। ये विचार होना चाहिए कि ये सारा जगत ओंकारमय परमात्मा रूप है। पूर्वं समाधेरखिलं विचिन्तये,
ओंकारमात्रं सचराचरं जगत तदेव वाच्यं प्रणवो हि वाचकः विभाव्यते ज्ञानवसन्न बोधतः समादेहे पूर्वम्। समाधि से पहले जब तक विचार की अवस्था है उस विचार की अवस्था में हमें किस प्रकार के सोचना है, ओंकार मात्रम सचराचरम जगत। ये जो जगत है ये केवल ओंकार मात्र है। तस्य वाचक प्रणव, परमात्मा के जो वाचक है, परमात्मा को जो एक ही शब्द में बताया जाता है वो है ओम प्रणव। जैसे सत्य भी उसी परमात्मा का ही नाम है, चित्त भी उसी का नाम है, आनंद भी उसी का ही नाम है, आनंद में। और कहते हैं ओम पहला है शब्द। अगर कोई आया, पहले शब्द नहीं था, केवल सत था, जब शब्द आया तो ओम का रूप में आया ओम। तो उसको तुम जगत के जैसे कहीं 1,000-2,000 घड़े देखते हैं, मिट्टी के बने घड़े, तो एक पहले बार कोई देखेगा अनेक प्रकार है, छोटा कुल्लड़ है, दिया है, ग्लास है, कलश है, तो जरा बच्चा कहेगा इतना मैं देखने से घबरा जाता हूं, मुझे याद रखना भी मुश्किल होता है, कौन दिया कौन घड़ा कुछ समझ में नहीं आता, मुझे एक ही बताओ। तो क्या बताया जाएगा, सब कुछ बेटा मिट्टी है। एक ही शब्द में अगर तुमको याद रखना है मिट्टी है, तो सारे जगत, ब्रह्मांड, यूनिवर्स, मिल्कवे, गैलेक्सी, सब कुछ देख रहे हो, एक ही मात्र है वो सत है, ओम है। तदैव वाच्यम प्रणवो हि वाच्यम, ये संसार वाच्य है और जो ओंकार है वो वाचक है। अर्थात जो संसार है वो एक्सप्रेशन है और जो ओंकार है वो सबस्ट्रेटम है। तो जो ओंकार सबस्ट्रेटम है उसी के द्वारा ही अधिष्ठान से सब कुछ होता है, ये जान लो। विभाव्यते अज्ञान वशात् न बोधतः, ज्ञान होना, एक बार जब ज्ञान हो जाता है, बोध होता है, ज्ञान हो जाता है, फिर कुछ नहीं रहता। एक बार जब पानी ही देखते हैं तो ना लहर, ना तरंग, ना वेव्स, कुछ नहीं दिखाया जाता। और कहते हैं जो साधना पहले बताया था, कैसे बैठोगे, इंद्रियों को कैसे ध्यान करोगे, ये ओंकार उपासना बता रहे। जो हम लोग ने कल ओंकार उपासना देखा था, ओंकार उच्चारण देखा था, ओ उ म, इसको भी यहां पर थ्योरी के रूप में, कल हम लोग ने प्रैक्टिकल रूप में किया और थ्योरी के रूप में कंटिन्यूस चलेगा। अकार संज्ञा पुरुषो हि विश्वकः, उकार विकार कस्ते जस हीयते क्रमाः, राज्ञो मकार परिपक्ष्यते खिले, समाधि पूर्वं न तु तत्त्वतो भवे। ओंकार में ओ है, ऊ है और म है,
ये जो ओम है, अकार है, वो जागृत अवस्था है और विश्व है। विश्व की परिभाषा कौन बता सकता है? विश्व किसे कहते हैं? नहीं, वैसे माने परिभाषा नहीं हुआ, पर्यायवाचक हो गया विश्व, और वो ब्रह्म का विराट रूप तो गलती हो गया। दूसरे क्लास में तो कल ही तो कहा था, अभी ऑनलाइन वाले उतना उतावला हो रहे थे, अभी फोन आ रहा था, समझे आप जो पूछ रहे थे ये लोग बता नहीं पा रहे थे, और हम लोग रेडी हो रहे थे और आप हमको म्यूट करके बैठे हो, और ये लोग सब अनम्यूटेड है, खुद म्यूटेड है। ना ना, ये उल्टा पुल्टा करोगे तो बड़ा मुश्किल है। सवेरे सवेरे तो पढ़ाया था, व्यष्टि स्थूल शरीर अभिमानी चेतन इज इक्वल टू विश्व, पता है कि नहीं था? उन लोगों का छाती फूल रहा, इधर है उधर में, उधर मत देखा, वो लोग रेडी होते हैं, फोन करते हैं, समझे हम बता सकते थे। विश्व क्या है? व्यष्टि स्थूल शरीर अभिमानी चेतन, बताया था कल। व्यष्टि शरीर वो विराट पुरुष नहीं है, वो बाद में आएगा, वो भी समस्ती स्थूल शरीर अभिमानी चेतन इज बोलो विराट, कंफ्यूजन हुआ, इधर का उधर ले लिया गया। तेजस किसे कहते हैं? तेजस आधा कहने से नहीं चलेगा, पूरा वाक्य कहना पड़ेगा। आधा नहीं, कोई भी शब्द छोड़ना नहीं है, फिर व्यस्ति अगर छोड़ दोगे तो मुश्किल होगा। व्यस्ति सूक्ष्म शरीर अभिमानी चेतन, क्लियर? ये तेजस व्यस्ति। फिर प्राज्ञा क्या है? आधा नहीं, पूरा वाक्य कहना पड़ेगा। व्यस्ति कारण, इसी में, इसी लाइन में तो डिटो करना है। व्यस्ति कारण शरीर अभिमानी चेतन, ये प्राज्ञा। विराट किसे कहते हैं? अभी अभी बताए, समस्ती स्थूल शरीर अभिमानी चेतन। हिरण्यगर्भ किसे कहते हैं? समस्ती सूक्ष्म शरीर अभिमानी चेतन। ईश्वर किसे कहते हैं? समस्ती कारण शरीर अभिमानी चेतन। ये छह टेक्निकल शब्द को याद रखना है। कोई जैसे फिजिक्स पढ़ेगा तो टेक्निकल शब्द होता है, केमिस्ट्री पढ़ेगा प्रेशर किसे कहते हैं, टेम्परेचर किसे कहते हैं, वॉल्यूम किसे कहते हैं, तो वो टेक्निकल शब्द है। इसी प्रकार तो कहते हैं, देखो जब औकार चिंतन करना है ना, तो औकार में जो विश्व है, व्यष्टि स्थूल शरीर अभिमानी चेतन, उसको चिंतन करो। और जब उकार चिंतन करना है तो वो व्यस्ति सूक्ष्म शरीर अभिमानी चेतन तेजस में चिंतन करो, और ओ को ऊ में लीन करो, ठीक है? ऊ है तेजस और म जो प्राज्ञा, ये जो ओकार है वो जागृत अवस्था, उकार है स्वप्न अवस्था, और मोकार है सुषुप्त अवस्था। इसकी तुम चिंतन करके ओ उ म में चिंतन करो, ओ उ म को जानो, फिर आगे देखते हैं, बस बोलते हैं। अब तीन चार श्लोक एक ही साथ कहे, विश्वं त्वकारं पुरुषं विलापये। Shabbat shalom.
ओंकार मध्ये बहुधा व्यवस्थितम्। ततो मकारे प्रविलाप्य तेजसं। द्वितीय वर्ण प्रणवस्य चान्तिमे। ओ को ऊ में लीन करो, विश्व को तेजस में लीन करो, जागृत अवस्था को स्वप्न अवस्था में लीन करो। फिर उसके बाद द्वितीय जो वर्ण ऊ का, उसको मौ में लीन करो, अर्थात विश्व को तेजस, तेजस को प्राज्ञ में लीन करो, जागृत को स्वप्न में और स्वप्न को सुषुप्ति में लीन करो। इस प्रकार के तुम मेथड करो। फिर देखते मकारमप्यात्मनि चिद्घने परे। विलापयेत् प्रज्ञमभिह कारणम्। सोऽहं परं ब्रह्म सदा विमुक्तिम्। मकार को फिर कहां करना है? न कहते जो मकार को अमात्र में करना, ये के मात्रा है, अमात्रा अमात्रा, फिर उ मात्रा, फिर म मात्रा, ओ उ उ म, फिर म को ओ मात्रा, मैंने कोई मात्रा नहीं है, निर्मात्रा, उस परम ब्रह्म लीन में करना है। विशुद्ध रूप परमात्मा, चित घन रूप परमात्मा में लीन करना है। और फिर उसके बाद, उसके बाद बचेगा नित्य मुक्त विज्ञान स्वरूप उपाधिहीन निर्मल ब्रह्म मैं हूं। ओमिति एक अक्षरम, ओमिति एतद् अक्षरम इदम्। मांडुक्य उपनिषद में यही वर्णन है, ओमिति, वो जो ओम परमात्मा, उस परमात्मा को जानना है। प्रणवो हि अपरम ब्रह्म प्रणवश्च परस्मृतः अपूर्व अनंतर बाह्य अनपर प्रणवोद्ययः। ये तुम जानो। छोटा सा भजन भी है ना, इसलिए ओंकार जप लेना ये जीवन बनाना, ये जीवन ओंकारा, ये जीवन ओंकारा, यह अवतार है शब्द का मूल उकार मध्य स्थान, मकार अंतर है ये जीवन ओंकारा, यह जागृत है यह ओंकार है देशा।
सर्वश्रेष्ठ, यही मंत्र का मूल है, एकाक्षर मंत्र है, इसको साधना करो। इसको कहते प्रणव साधना, इसको कहते ओंकार साधना, इसको कहते प्रणव अनुसंधान, इसको कहते अहंग्रह साधना। इस प्रकार करके आत्मानंद में मग्न हो जाओ। 52 एवं सदा जात परात्म भावना, तो कहते देखो इस प्रकार के जब आप ध्यान करते रहोगे उसमें परम ब्रह्म के चिंतन में ऑटोमेटिक ये जो संसार है, ये जो प्रपंच, ये जो अध्यास, वो निकल जाएगा। एवं सदा जात परात्म भावना, स्वानंद तुष्ट परिविस्मृताखिल, आस्ते सनित्यात्म सुख प्रकाशकः, साक्षाद् विमुक्तो चलवारि सिन्धुवत, आत्मानंद जो योगी अनुभव करता है निस्तरंग समुद्र के समान, उस साक्षात अनुभव करता है और जगत के एक ही भी प्रपंच उसको दुख नहीं देता है और उसमें वो ही जीवन मुक्त हो जाता है। एवं माने इस प्रकार, बार बार एवं एवं आ रहा है श्लोक में, इस प्रकार के वो साधना जब करता है, वो अभ्यास जब करता है समाधि का, सब इंद्रियों के जो विषय है वो लीन हो जाते हैं और मन के अंदर जो इच्छा काम क्रोध सब नष्ट हो जाता है। 6 इंद्रिय जो है, 5 कर्मेंद्रिय और मन, उसको भी कंट्रोल हो जाता है, जीतने वाले होता है, वो ही साक्षात्कार करते हैं। हे लक्ष्मण, भगवान राम ही बोल रहे, हे लक्ष्मण सुनो, तुम्हारा जो एक ही प्रश्न था, देखो तो अध्यात्म रामायण में सिर्फ एक ही प्रश्न है, क्या? इस संसार सागर को कैसे पार करना, इसी को लेकर के आगे बढ़ते। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में उन्होंने कितना प्रश्न डाला, तुलसीदास जी ने लक्ष्मण के मुख से कितना प्रश्न दिया, देखो इतना भी डाउट में बोल रहे सब लोग, बड़ा कॉन्फिडेंटली नहीं बोल रहे कोई, कितना प्रश्न दिया, अभी इतना बूस्ट करने के बाद बोल रहे हैं 7 2 5 6, पूरा स्ट्रीट कॉन्फिडेंस नहीं था। कितना श्लोक है, कितना प्रश्न है, और अध्यात्म रामायण में प्रश्न कितना है, सिर्फ एक। अच्छा ये 7 क्या क्या है मैं पूछूंगा नहीं अभी, अच्छा रिलैक्स है, मगर 7 बजे पूछूंगा, छोड़ूंगा नहीं, अभी नहीं पूछता, 7 बजे छोड़ूंगा नहीं, आप बोलोगे मैं आऊंगा ही नहीं, ऐसे मत करना, डेलीगेट को तो आना ही पड़ेगा, नहीं तो डेलीगेट हो जाएगा। तो कहते ऐसे चिंतन करके मनुष्य साधक कंट्रोल करके जीवन मुक्त हो जाता है। एवं सदाभ्यस्त समाधि योगिनः, निवृत्त सर्वेन्द्रिय गोचरस्य हि, विनिर्जिता शेष परिपुरोहम्, सदा दृश्यं भवेयं जितसंगुणात्मनः, एवं का दूसरा अर्थ है क्या, उसकी जो साधना है कंटिन्यूस चल रहा है,
एवं इस प्रकार, ये नहीं कि कल किया था आज छोड़ देते हैं, नहीं, जीवंतम कहते आजीवन पर्यंतम आमरण पर्यंतम वेदांत चिंतया। ये कोई प्रश्न नहीं पूछना चाहिए स्वामी जी कब तक साधना करना है। देखो साधना शिविर कब तक करना है पूछ सकते हो, कैंप अटेंड करना कितने तक पूछ सकते हो, गुरु के पास कितने दिन रहना ये पूछ सकते हो, और साधना कितने तक दिन तक करना वो नहीं बताया गया। एवं का अर्थ यही, तो ये जो एवं है, एवं सदाभ्यस्त समाधि योगिनः, जो समाधि अभ्यास करने वाले जो योगी क्या करता है, निवृत्त सर्वेन्द्रिय गोचरस्य ही, संपूर्ण इंद्रिय को विषय से निवृत्त कर दिया, क्योंकि इंद्रिय का काम ही है विषय बाहर जाना। परांचि खानी व्यतिरिक्त स्वयं बहु, खानी इंद्रिया परांचि बहिर्मुखान, उसको कंट्रोल करता है, और जितने काम क्रोध आदि संपूर्ण शत्रुओं को परास्त करता है, छह इंद्रियों को जीतने वाला महात्मा को मेरा निरंतर साक्षात्कार वही प्राप्त करते हैं। भगवान कहते हैं ना, फिर साधक एक बार जीवन मुक्त हो गया तो जीवन मुक्त का लक्षण 54 में बताते हैं, ध्यात्वैवमात्मानमहर्निशं मुने तिष्ठेत् सदा मुक्तसमस्तबन्धनः प्रारब्धमस्मन्नभिमानवर्जितः। इस श्लोक में जीवन मुक्त भी बताया और विदेह मुक्त भी बताया, अर्थात एक बार वो जीवन में रहते रहते जब ज्ञान प्राप्त कर लेता है तो किस प्रकार के मुक्त हो जाता है, और मुक्त होकर के कर्ता भोक्ता सब नष्ट हो जाता है, अहंकार भी नष्ट हो जाता है। फिर प्रश्न होगा वो शरीर में रहता है कि नहीं, अभी जो परोक्ष अनुभूति में चल रही है विवेक चूड़ामणि में उसका बहुत ही एक टॉपिक दे करके किया है कि नहीं शरीर देख रहे हो, हाँ तो प्रारब्ध है। देखा जाए तो उस परम ब्रह्म के दृष्टि से जीवन मुक्त दृष्टि से कोई शरीर नहीं, कोई प्रारब्ध नहीं, कुछ नहीं है। हम देखते हैं कि हाँ वो है, खा रहे पी रहे, तब कहते हैं उनका प्रारब्ध को वो भोग करते हैं, और जब प्रारब्ध खत्म हो जाता है कहते हैं मेरे विदेह तत्व आत्मा में लीन हो जाते हैं, तो जीवन मुक्त विदेह मुक्त हो गया। इस प्रकार की स्थिति में आ गए। फिर कहते सुनो, ये जो संसार के जो आदि अंत मध्य में भय शोक का जो कारण था यही बंधन का कारण है, समझो वो बंधन समस्त त्याग कर दिया। आदौ च मध्ये च तथैव चन्ततः, भवं विदित्वा भयशोक कारणम्, हित्वा समस्तं विदिपाद चोदितम्। भजे समात्मानमथाखिलात्मनाम्, संसार को आदि अंत मध्य में सब प्रकार के भय शोक का कारण जान करके, अर्थात पहले बीच में अंतिम में ये संसार शोक और भय का ही कारण है, समस्त वेद विदित जो कर्म है
वेद में जो कर्म बताया गया है कि नित्य कर्मा नैमित्तिक कर्मा सबको त्याग कर देता है और संपूर्ण प्राणियों के जो अंतरात्म रूप अपने आत्मा को भजन करता है, ये उसका जीवन में ऐसे तुम्हें करना चाहिए। लक्ष्मण इस प्रकार के बता रहे हैं। मास्टर ये फिर आगे बताते हैं आत्मन्य भेदेन विभावयन्निदम् भवत्य भेदेन मयात्मना तदा यथा जलं बारि निधो तथा पयः क्षीरे व्योम्नि अनिले यथा नलः तीन तीन एग्जाम्पल देते हैं। कहते ये लीन का अर्थ कैसे समझे? अहंकार नष्ट होता है, जीव नष्ट हो जाता है, वो कैसे समझेंगे? ना कहते एक कुंभ ले लो, घड़ा, घड़ा समुद्र में जाओ और जो घड़ा है उसको पानी भर्ती करो, फिर बांधो। अभी कोई श्राद्ध आदि में ये सब करना पड़ता है, तो बांध दिया और बांध के समुद्र में फेंक दिया। अब नमकीन के पानी के कारण तो जो समुद्र में वो लीन हो गया पानी, तो समुद्र में जल लीन हुआ। ये जो जल आया था वो कहां से आया था? समुद्र से। तो समुद्र का जो जल है वो समुद्र के बाहर भी है अंदर भी है, तो जो बाहर का जो जल है वो समुद्र में लीन हो गया। नेक्स्ट कहते हैं एक बहुत बड़ा दूध है, 5-10 लीटर का दूध है और छोटा सा आधा लीटर दूध डाल दिया तो दुग्धम दुग्ध में लीन। घटाकाश और महाकाश में जो आकाश होता है घटाकाश और महाकाश में लीन होता है, वायु का वायु में लीन होता है। ये जो सांस हम लेते हैं वो सांस व्यष्टि वायु समष्टि वायु में लीन होता है। चार चार एग्जाम्पल, एक है जल, एक है दूध, तीसरा है आकाश और चौथा है वायु। इसी प्रकार ये प्रपंच को अपने आत्मा में लीन करो। सवेरे हम लोग देख रहे थे पृथ्वी तत्व को जल में, जल में अग्नि को, अग्नि में वायु, अग्नि को वायु में, वायु को फिर आकाश में, आकाश में तामस अहंकार में, फिर हिरण्यगर्भ में, फिर प्रकृति में, फिर ईश्वर में, फिर परम ब्रह्म में। परम ब्रह्म वो जिसमें लीन होने के लिए कुछ है ही नहीं, ईश्वर तक लीन हो जाए फिर उसके बाद कुछ नहीं है लीनम। अद्वैत ब्रह्म में ना लीन है ना लीन होने के लिए कुछ बाकी है, तो वो ऐसी लीन करो, अभिन्न रूप में अनुभव करो, चिंतन करके जीव मुझ परमात्मा को, भगवान कहते हैं ना इसलिए अपने आप को कह रहे, मुझ परमात्मा को अभिन्न भाव से स्थित देखता है। इत्थम इत्थम ने ये आगे के इत्थम यदि क्षेत ही लोक संस्थित जगन् ऋषिवेति विभावयन् मुनिः निराकृतत्वाश्रुति युक्तिमानतः यथेन्दु भेदो दिशि दिग्भ्रमादयः
ये जो जगत है श्रुति युक्ति प्रमाण से बाधित होकर के चंद्र भेद न्याय, चंद्र भेद माने चंद्र शाखा न्याय। पुराने जमाने में जो महालोक है वो चंद्र व्रत करते थे और सूर्य व्रत। दिन में क्या होता है, जो बादल जब होता है सूर्य दिखाई नहीं देता है। अभी हम लोग जो जनवरी दिसंबर में यहाँ पर भी बहुत दिन तक सूर्य आते ही नहीं, इतने पूरा 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 दिखाई नहीं दे। तो सोचो जिसने व्रत कर लिया सूर्य देखेंगे ही भोजन करेंगे, तब तो 2 महीना तो उनको बड़ा मुश्किल होगा। फिर तो कहना का पानी में रहना पड़ेगा, सब्जी में रहना पड़ेगा, फ्रूट्स में रहना पड़ेगा, क्योंकि अन्न खाएंगे ही नहीं। फिर कुछ लोग रात में देखते थे चंद्र, तो उम्मीद नहीं दिखाई देता है द्वितीय चंद्र, तो शाखा को माध्यम से देखते हैं शाखा, फिर उसके बाद शाखा के सीधा चंद्र। ऐसे चंद्र भेद और दिशाओं में होने वाले दिग्भ्रम के समान मिथ्या ही है। या तो कभी कभी चंद्र दो दिखाई देता है, चंद्र देखते हो और उसके बाद थोड़ा सा देखना तो दो चंद्र दिखाई देता है। सचमुच क्या दो चंद्र है नहीं, वो एक ही है और दिखाई देता है उस प्रकार। तो ये बता रहे हैं सब कुछ मिथ्या ही मिथ्या जानो, जब तक ये सारा संसार मेरा रूप नहीं दिखाई देता है तुमको, मेरी आराधना तुम करते ही रहना। जब तक सिया राम मैं सब जग जानी नहीं दिखाई देता है, भक्त को क्या करना चाहिए, मेरे बारे में चिंतन करना चाहिए। जहां भी जाओ भगवान राम परम ब्रह्म है। यावन्न पे पश्येद अखिलं मदात्मकम्, तावन् मदारामतत्परो भवेत्। श्रद्धालुरुत्तिर्जितर्हि भक्तिलक्षणः, यस्तस्य दृश्योऽहमहर्निशं हृदि, तब तक सारा संसार मेरा ही रूप न दिखाई दे तब तक क्या करना चाहिए, मेरी ही आराधना करना चाहिए। आराधना माने उपासना। अगर निर्गुण निराकार तुमको दिखाई नहीं दे रहा है तो सगुण साकार का चिंतन करो। भगवान राम के जो रूप है, रूप गुण लीला धाम चरित्र, ये चिंतन करो। और जब श्रद्धालु के अंदर उत्कट भक्ति प्रेम अनन्य भक्ति हो जाता है तो हृदय में मुझे प्राप्त कर लेते, मेरा साक्षात्कार होता है। सुतीक्ष्ण ऐसे भक्त है रामचरितमानस में हमें मिलेगा, क्यों अपने अंदर में ही भगवान को देख रहे थे, भगवान सामने खड़े हैं और पता नहीं चल रहा उनको। तो ऐसे चिंतन करो। फिर हे प्रिय सुनो लक्ष्मण, रहस्यमेत श्रुतिसार संग्रहम्, मया विनिश्चित्यत बोधिदं प्रियः, यस्त्वेतदालोचयतीह बुद्धिमान्, समुच्यते पातकराशि वीक्षणा। भगवान श्री राम तो मर्यादावान है, इसलिए कहते हैं हे प्रिय सुनो, ये जो श्रुतियों का जो सार है, जितने वेद उपनिषद में वर्णन है, वही जो मैंने तुमको बताया आत्म तत्व के बारे में, मैंने तुमको अच्छी तरह से समझाया। तुम बुद्धिमान, जो बुद्धिमान इसको मनन करेगा तत्काल ही समस्त पाप से मुक्त होगा।
अभी तुम्हारे हाथ में है, तुम कैसे मनन करते हो। भगवान जैसे गीता में कह दिया, यथेच्छेसि तथा कुरु। मैंने तुमको समझाया, अभी तुम क्या करना चाहते हो तुम करो। तब अर्जुन ने कहा करिष्ये वचनम तब। यहां पर भी कहते तुम विचार करते रहो, चिंतन करते रहो। फिर और प्यार दिखाने के लिए डायरेक्ट भगवान राम भाई है भ्राता कह रहे हैं। भ्राता यदिदं परिदृश्यते जगत, मायेव सर्वं परिहृत्य चेतसा, मद्भावाभावितसुखमानसः। सुखी भवानन्दमयो निरामयः। भाई तुम सुनो, ये जो जगत दिखाई दे रहा ना, वो सब माया है। देखो उसी को ही तुलसीदास जी ने कहा, वो गोचर सर्व माया भाई। तुम जानो जो जो तुमको दिखाई देता है वो माया, इसे अपने चित्त से निकालो। और ये जो जगत है, ये बाहर तो है ही, वो मन के अंदर रहता है। तो उस चित्त में जो रह जाता है उसको हटाओ, मेरी ही भावना करो, चित्त शुद्ध करो, और चित्त शुद्धि करके मेरे ही आनंद कर, मेरे ही बारे में चिंतन करो, परम ब्रह्म चिंतन करके आनंद पूर्ण हो जाओ। इसी को ही कहते हैं माया मात्रमिदं द्वैताद्वैतं परमार्थतः। विवेक चूड़ामणि में इसी कहते हैं, जगत जो क्या है वो माया मात्र, मिदं द्वैताद्वैतं परमार्थतः। इति श्रुते श्रुते साक्षात् सुषुप्तो अनुभूयते। जो इस प्रकार के चिंतन करता है, जो इस शास्त्र को अपने जीवन में डालता है, सेवन करता है, वो पवित्र हो जाता है। यह सेवते माम गुणम गुणात् परम, कदा कदा वा यदि वा गुणात्मकम्, सोहं स्वपादां चितरेण विस्पृशन्। पुनाति लोकं मित्रतयं यथा रविः, जो पुरुष अपने चित्त से मुझे निर्गुण निराकार गुणातीत का अथवा कभी कभी सगुण, क्योंकि जब मन विक्षिप्त रहता है, हमेशा निर्गुण को चिंतन नहीं करते, तो भी भगवान ने क्ल्यू दे दिया, कभी कभी सगुण का चिंतन करें। सगुण का अर्थ क्या होता है? रूप आ जाएगा, नाम आ जाएगा, धाम आ जाएगा, लीला आ जाएगी, कीर्तन आ जाएगा, चरित्र आ जाएगा। तो ऐसे सगुण का चिंतन, मुख्यतः निर्गुण का चिंतन जो कर रहे हैं, सच्चिदानंद परम ब्रह्म ओंकार स्वरूप तस्य वाचक, को परम ब्रह्म शुद्ध मिलीन, इस प्रकार के स्वरूप लक्षण, तटस्थ लक्षण, नेति नेति लक्षण, स्वरूप लक्षण से सच्चित आनंद, तटस्थ लक्षण से, बताओ तो तटस्थ लक्षण क्या है? जगत के जो सृष्टि स्थिति लय करता है, नेति नेति लक्षण निर्मल अद्वैत निराकार अमल, ये सब नेति नेति लक्षण। ऐसे जो चिंतन करता है, सेवन करता है, मेरा ही रूप समझता है, तो अपने चरण रज के स्पर्श से सूर्य समान त्रिलोक को पवित्र कर लेता हो। उनको भी अगर कोई छुएगा, ऐसे जो साधु, ऐसे जो महापुरुष जो मेरे चिंतन में लीन है, उनको कोई स्पर्श करेगा तो मुक्त हो जाएगा। देखो ना भागवत में भरत दया करके एक हिरण के बच्चे को ले आए, जो हिरण के बच्चे को ले आए वो बस उसको जस्ट प्यार किया, थोड़ा सा प्यार किया, प्यार किया, उसी के बारे में चिंतन कर लिया, इनकी तो दुर्गति हो गई,
और उसकी क्या सगति होगी पता, वो ही राजा रघुराम बन गया। वो जो हिरण है वो राजा रघुराम बन गया। संभव है, सोचो, केवल संत की कृपा से। हमारे टुकटुक है ना, वो जब मैं जाता हूं थोड़ा ऐसे करता हूं तो थोड़ा चुपचाप बैठ जाता है, और जब मैं छूता हूं वो मेरे गोदी में सो जाता है। और इसको ना, वो पूर्वजन्म में पक्का ब्रह्मचारी था। क्या ओनली फ्रूट सही है? मैंने देखा कि अभी इधर उधर है रहा है, वो व्यस्त हो रहा है, उसको ध्यान नहीं दे रहा, सवेरे सवेरे मेरा फ्रूट्स के बाद वो खाएगा, इंतजार कर रहा है। उसको मैंने क्या किया था, कुछ नहीं है तो सामने आचार था, मैंने वो आचार दे दिया, तो फिर मुंह सुखाया और मुझे देख रहा, आचार दे रहे हो, खुद तो नहीं खा रहे हो, मुझे दे रहे हो, खाएगी वो। मगर मैंने थोड़ा सा बिस्किट दिया, कुछ चना चोर तीखा हो, नहीं खाएगा, पक्का ब्रह्मचारी है। तो मैंने कहा कि पूर्व जन्म में कुछ गलती किया था इसलिए इस प्रकार हुआ है, इस जन्म में गलती मत करो, तुम फिर से करो, ध्यान करो, ओंकार ध्यान करो, ओम नमः शिवाय करो, तो आनंद कर देता है। अब क्या है, कहने का मतलब है, जड़ भरत को याद करता हूं जब उसको देखता हूं, हिरण को भी याद करता हूं, उन्हीं की कृपा टच किया उन्होंने, बनाओ राजा, तभी उनकी उसी को कृपा करने के लिए वो बोलने लगे। नहीं तो जड़ भरत, उन्होंने प्रतिज्ञा की थी मैं किसी को बोलूंगा नहीं, ना पिताजी से बोला, ना माताजी से बोला, ना बीमाता छोटी मां से बोला, ना बहन से बोला, ना भाइयों से बोला, कुछ कभी भी जिंदगी भर नहीं बोला। माँ दुर्गा भी आप है तो भी नहीं बोले, पता नहीं इसके लिए बोले क्यों, शिष्य है, प्यार किया है। ऐसे संत के अगर हम चरण रोज भी मिल गए, उनका टच भी है, इसलिए हमारे भारतीय संस्कृत में कहते हैं स्वामी जी आपका हाथ माथे पर रखो ना, क्योंकि वही है, तो चरण रज थोड़ा सा रहता है, वो भी धन्य हो जाता है। 62 लास्ट है, विज्ञान में अखिलं स्मृति सारमेकम्, वेदांत विद्य चरणेन नमैव गीतम्, यश्रद्धया परिपठे गुरुभक्ति मुक्तः, मद्रूपमेति यदि मद्वचनेषु भक्तिः। इस ग्रंथ का नाम है श्रीराम गीता। भगवान तो नहीं कहेंगे ना श्रीराम गीता, हम लोग कह रहे हैं, भगवान ने कहा है। भगवान क्या नाम दिया, श्रुति सार, श्रुति का सार है। हम लोग कहते हैं भगवान ने कहा श्री राम गीता, और भगवान कहते हैं विज्ञानमेतद् अखिलं श्रुति सारमेकम्, वेदांत विद्य चरणेन नमैव गीतम्। वेदांत विद्य है ये जो मैंने कहा है, खुद ही कह रहे, मैंने जो कहा है वो गुरु भक्ति प्रपन्न संपन्न पुरुष इसका श्रद्धापूर्वक पाठ जब करता है, मेरे वचन के प्रति प्रीति होती है, तो मेरा ही रूप हो जाएगा। अर्थात श्री राम गीता से, गीता सुनते सुनते गीता हट गया और क्या बचेगा, कितना सुंदर है। तो श्री राम गीता भगवान खुद कहते हैं, अब खुद अपना नाम श्री राम गीता नहीं कहते हैं, कहते श्रुति सार, श्रुति के सार, श्रुति माने वेद, वेद के जो सार है उसको जो जानता है वो मेरा ही रूप हो जाता है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति, हरि।